आपको बता दें कि हरिद्वार में न्यू देवभूमि हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के डॉक्टर ने एक 2.5 साल के बच्चे की जटिल बीमारी का सफल इलाज किया है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले रुड़की के रहने वाले अमित के 2.5 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी। इन्फेक्शन के कारण उसकी छाती में पस भर गया था। अमित ने रुड़की के कई अस्पतालों में बच्चे का इलाज कराया, लेकिन बच्चा स्वस्थ नहीं हो सका। इसके बाद रुड़की के एक डॉक्टर ने अमित को एम्स और जॉलीग्रॉस जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। आर्थिक तंगी के चलते अमित हायर सेंटर तो नहीं जा सका, लेकिन किसी तरह वह हरिद्वार के न्यू देवभूमि हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर पहुंचा। अस्पताल में मौजूद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु सिंह ने बच्चे का इलाज शुरू किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चे की छाती में इन्फेक्शन के कारण पस भर गया है और इसी कारण उसका बुखार भी नहीं उतर पा रहा था। डॉक्टर अनुज ने ट्यूब के माध्यम से बच्चे की छाती से पस निकालना शुरू किया, तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जरूर आई। डॉक्टर अनुज सिंह ने बताया कि सावधानी पूर्वक उन्होंने ट्यूब डालकर बच्चे की छाती से सारा पास निकाल दिया। 3 से 4 दिनों में ही बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उन्हें यह भी बताया कि बच्चे का इलाज करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस तरह से ट्यूब के माध्यम से पस निकालना बच्चे की जान के लिए खतरा भी हो सकता था, लेकिन अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं बच्चे के पिता अमित ने बताया कि देवभूमि हॉस्पिटल के डॉक्टर उनके लिए ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि वो उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब उनका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और सुखी है, अपने घर जा रहे हैं। रुड़की भी दिखाई थी हमने, वहाँ से राम ने लगा था 6-7 दिन वहाँ भी रखी है जी। फिर यहाँ से दिखाई थी हमने, यहाँ से ही राम आया है। डॉक्टर ने मैं तो कहते जो लिगरांड कह ऋषि गैस बोल रहे थे, फिर हमने यहाँ दिखाई थी। मेरे पास एक बच्चा आया था बेबी मानवी करके, 2.5 साल का बच्चा था। वो हमारे पास छाती में पस की कंप्लेंट से आया था। उसकी उसे सांस लेने में दिक्कत थी और उसे बुखार आ रहा था 15 दिन से। उसका जब एक्सरे कराया गया था तो उसकी छाती में पस था। वो 15 दिन से एंटीबायोटिक ले रहा था रुड़की में, लेकिन